देखिए यहाँ पर पूरा विलेज का नाम पूरा दिया हुआ है। ग्रीन लद्दाख देखे सुबह सुबह का नज़ारा और फील द साउंड ऑफ बर्ड्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Hey guys, good morning and welcome back to our channel। थोड़ा यहाँ का विलेज का जस्ट मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं। फिर से बारिश आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है ना, तो आपको पूरा अभी दिखाएंगे वीडियो। अभी जस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं हम, तो यहाँ का थोड़ा अच्छा लगता है ना, सराउंडिंग बर्ड्स का साउंड इतना ब्यूटीफुल सुबह ना, मतलब यहाँ पे रहने से मतलब सुबह उठना है, सुबह नहीं तो बाद सुबे... में पूरा लोग उठ जाएगा तो मतलब उतना अच्छा नहीं लगता। सुबह उठने के बाद बाहर आ जाइए, आपको बर्ड्स का आवाज बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेगा। यहाँ पर भी है गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। हाँ इधर भी पूरा गेस्ट हाउस है ना, ऊपर में है साइड में। हाँ ये एल विलेज की है। तो चलिए आपको रूम का टूर कराते हैं। तो ये है रूम, और ऐसे रेड रखा है। तो ये हॉल है, कुछ इस तरह का, और ये एक छोटा सा किचन, तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और आइए बेडरूम की तरफ। ये रहा बेडरूम, बहुत ही सुंदर। और इस तरफ है वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत ही बड़ा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत साफ है। देखिए ऐसा है इस तरफ, और बाहर का नज़ारा ऐसा है। आप यहाँ से आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे आराम से बैठ के इधर का व्यू ले सकते हैं। चले तो ये हमारा एसी रूम था, इसका कॉस्ट रहा हमें 2000 रुपीस, और ये जो आप अभी देख रहे हो ये नॉन एसी है, तो इसका प्राइस 1000 रुपीस है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, सिंगल रूम एंड बाथरूम, तो हमें ये मतलब अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हमने एसी लिया। तो चलिए फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं डोंडी हिल की टूर की तरफ। अभी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, कैसा है ब्रेकफास्ट में मोमो खा रहे हैं। और ये थुप्पा, चिकन थुप्पा, चलो दो पीस खा लिया, मैं खा लेती हूँ। तो
चटनी बहुत स्पेशल है। तो चलिए गए, हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डोंडेलिंग का ट्रिप। अभी हम लोग डोंडेलिंग के अंदर जाने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरा विलेज का नाम पूरा दिया हुआ है इस साइड पर, और ये ऊपर ये गेट है, आपको यहीं से अंदर जाना पड़ेगा एंट्री। इधर ऊपर देखो गेट, तो ये गेट है आपको, मेन एंट्री यही है। चलिए ये एक है, तो इसे क्या कहते हैं, तो नाम तो पता नहीं है, नाम पता है तो प्लीज कमेंट करिए, मगर इसको ऐसा घुराते हैं। चलिए गेट का, गेट में इतना ही है, तो आगे और भी तीन मोनेस्ट्री है, तो वो तीन मोनेस्ट्री भी हम देख लेते हैं। ये देखिए व्यू, रोड का व्यू ना, बहुत ही सुंदर है। ग्रीन लद्दाख, तो लद्दाख ड्राई रहता है ना, ये पूरा ग्रीन है और पूरा माउंटेन का सामने, और पूरा यहाँ पर टिबेटन लोग की है। तो ये छोटा छोटा विलेज एरिया है इधर, यहाँ पर भी सेम ना छोटा, पहले जो हम लोग ने देखा था ना उधर में। यहाँ से एक विलेज जाता है, ये भी एक रोड है, तो देखिए 360 बहुत ही बढ़िया, तो सराउंडिंग पूरा ग्रीनरी, और जो अभी वेदर है यहाँ पे, मतलब अचानक से ड्रिजलिंग की तरह बारिश आ जाता है। तो आपको इतना मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आपको जितना भी मॉनेस्ट्री है सब रोड के सामने ही मिल जाएगा, और मतलब इजी टू फाइंड है ना, कुछ भी रहेगा तो आपको विलेज का नाम ये सब पूरा दिया गया है, मतलब हर एक गली पर, तो आप यहाँ पर रुक के आराम से मतलब इजीली सर्च कर सकते हो। तो ये एक मॉनेस्ट्री, तो चलिए इसके अंदर जाते हैं, दिखाते हैं आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है भी। तो आप यहाँ पर आए तो सेम आपको मतलब लद्दाख सिक्किम ये सब जैसा रहता है ना, वैसे ही लग रहा है। गेट, चलिए आगे फिर, और भी बहुत चीजें देखने के लिए। वाव, बहुत ब्यूटीफुल है ना, मजा आ रहा है यहाँ पे, आप लोग भी जरूर आएंगे प्लेस पे। Thank you.
इसका नाम लीटू पप्पू और इसका नाम हिंदू ओके ओके यहाँ यही रापल बस नहीं के कर देना नहीं अजय ठुलो छ अरे और बड़ा है ना हैंडशेक भी नहीं करते थे के नाम हो भाई तिम्रो राजू पी विलेज में जा रहे हैं ना हम लोग चलो डोंडेलिंग का पी विलेज तो विलेज है कुछ नहीं है यहाँ पर बस एक ये है क्या बोलते हैं स्टूपा टेंपल है अच्छा स्टूपा टेंपल ना तो गाइस हम पी विलेज होकर आ गए हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकाए हैं टेन यशी अन्ना रेस्टोरेंट है तो यहाँ का भी फूड ट्रेस करते हैं सेम रोड के सामने ही है ना चलो तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मोनेस्ट्री है टेन याची रेस्टोरेंट के सामने में वेदर अचानक से चेंज हो गया ना अचानक से चेंज हो गया फिर बारिश आ रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आगे मॉनेस्ट्री एक के भन्छ अनि यो एउटा गोलो गोलो घुर्ने हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कतापट्टि लेफ्ट साइड घुर्न राइट साइड पनि घुर्नु यतापट्टि घुम्नुपर्छ के भन्छ अरे यसलाई खोर्लो ए त्यो मतलब अहिले आउँदाखेरि हाम्रो सबैसँग ठुल्ठुलो यस्तो घुराउँछ नि त्यो खोर्लो हो कि अच्छा लेफ्टपट्टिबाट घुराए यतै यतैपट्टि घुराउनु पर्छ नि हुन्छ त भाइ ल के नाम हो तिम्रो केही छैन नि हुन्छ नि ल थ्याङ्क यू कितना क्लीन विलेज है ना बहुत साफ सुथरा विलेज अभी कौन सा ये
कौन सा मॉनेस्ट्री जा रहे हैं हम लोग? एक बड़ा मॉनेस्ट्री है, डीजोक्चेन करके है। अच्छा, वो मॉनेस्ट्री में जा रहे हैं अभी हम लोग। यही है जो हम लोग ठहरे थे, होटल मतलब रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस। रिजॉर्ट भी बोल सकते हैं। स्कूल सुबह हम लोग घूमे है ना यहाँ पे, और यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा मॉनेस्ट्री जाने के लिए। तो यहाँ भी एक सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है, देजुचेन मॉनेस्ट्री। तो यहीं पर हमें पहुँच गए, दिखाते हैं आपको अंदर पूरा। मतलब अरुणाचल में आ गया ऐसा लग रहा है ना, तिब्बत में। तिब्बत में तो गया नहीं, अरुणाचल में हम लोग गए थे ना, सेम मैसेज दिख रहा है। सब पार्किंग इधर है, वो यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो चलो चलो, ये 3 बजे बंद होता है तो जल्दी जल्दी जाएंगे अंदर, दिखाएंगे आपको, है ना। तो गैस ये है देजुकचेन मॉनेस्ट्री, जो कि यहाँ के सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है। तो अब यहीं पर घुस रहे, तो ये 3 बजे बंद हो जाता है, तो और फिर से शाम को 6 बजे ओपन होगा, तो इसीलिए हम यहीं पर आ गए अभी। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भी। तो ये देजुकचेन मॉनेस्ट्री है, ये भी यहाँ का सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भी। व्यू पॉइंट भी मिलेगा। वो आगे में है। यहीं पर बैठते हैं मॉन्क्स लोग बैठकर यहाँ पर अपना पूजा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज डोंट टच एनीथिंग, तो यहाँ पर टच नहीं करते हम लोग भी। तो वो लोग का ये सब चीज़ है, देखिए। तो सुबह मतलब जब हम उठे थे मॉर्निंग में, तब ये बजा रहा था ये लोग, मतलब पूजा कर रहे थे। दिए रहेगा उनका किताब, और ये शंख बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी है, मतलब ये सब बजाते हैं वो लोग। स्कूल छुट्टी वाला फिर
फिर से अचानक से मौसम चेंज, फिर से धूप आ गया। देखिए तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे और दूसरा प्लेस में। ये मॉनेस्ट्री के पीछे से एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट मिलता है, चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे वो व्यू पॉइंट। वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट मिलेगा आपको वहाँ से। तो देखिए गाइस, ये है डीजोगचेन का बैक साइड मॉनेस्ट्री का। तो यहाँ से बहुत ही एक बढ़िया व्यू पॉइंट मिलता है, देखिए वापे बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिए माउंटेन का लैंडस्केप। पूरा व्यू पॉइंट है यहाँ से। ये है डोंडेलिंग टिबेटन कैंप के विलेज टेंपल रोड। इस तरह है के विलेज। सुंदर सुंदर घर भी है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर है। कलर ना बहुत वो लोग अच्छा लग रहा है, मतलब कलरफुल कलर होता है ना, और वो लोग स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है हमारा जो रेगुलर घर पे है ना। अच्छा, ये है के विलेज, पूरा नाम से मतलब अल्फाबेट्स ही पूरा विलेज का नाम रखा है। ये रहेगा मार्केट आई थिंक। हाँ ना, एफ विलेज ना। एफ विलेज के और मार्केट राइट लेने से एफ विलेज स्ट्रीट जाने से छोटा छोटा शॉप, मेडिकल शॉप, सब कुछ पूरा पहाड़ के सामने ना। एफ विलेज विलेज से होके आ गए हैं अभी, अभी आगे जा रहे हैं डोंडेलिंग फोटोग्राफी पॉइंट ना। हाँ, फोटोग्राफी पॉइंट और थोड़ा मतलब विलेज एरिया ही रहेगा अंदर, तब घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग टूर कर रहे हैं, पूरा विलेज टूर कर रहे हैं, मीटिंग विलेज टूर। और अच्छा भी लग रहा है ना, गांव गांव अंदर पूरा, उधर बोर्ड भी लगा है ई विलेज करके है। ई विलेज है इस तरह, ई विलेज इस तरह, ई विलेज है और इस इधर छोटा ये मॉनेस्ट्री। आगे देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो ई विलेज, डी विलेज, आई विलेज सभी इस तरह पे। तो गाइस, ये है डोंडेलिंग का फोटो शूटिंग एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। देखिए गाइस, रोड के सिंगल रोड और आगे माउंटेन, और माउंटेन पूरा बादलों से घिरा हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप भी यहाँ पर डोंडेलिंग आए हो ये प्लेस मिस मत करना, इंस्टाग्राम फोटो एंड रील बहुत ही बढ़िया था यहाँ पर।
से बुलाया था ना, ट्रेनिंग तो रात को यहाँ पर पूरा डांस कर रहे थे ना, डांस मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस वो वाला उधर देखा नहीं, उधर भी वो विलेज है उस तरफ भी, वही हम लोग अभी गए थे ना जी विलेज में, क्या रहते ना एस जी क्या, एल विलेज की ओर जा रहे हैं हम लोग। सुबह तो बंद था ब्रेकफास्ट का टाइम, हाँ तो फिर से जाएंगे लंच में, अभी लंच उधर ही कर लेंगे अगर होगा तो। यहाँ का अभी तो डिटेल्स हम पूछ के बताएंगे आपको। वो आगे पर स्विमिंग पूल है और यहाँ पर रेस्टोरेंट ऊपर, तो चलिए ऊपर जाते हैं रेस्टोरेंट पे, लंच कर लेंगे यहीं पर। रेस्टोरेंट पर बसते और आगे स्विमिंग पूल भी है। ऐसा प्लेस में बैठ के खाना खाना ना मजा आएगा लंच करने, और अभी बारिश भी थोड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ का वेदर ऐसे रहेगा ना, शायद पहाड़ बहुत सामने में यहाँ पे। कसर छ उते भन्दा पनि यो लाइक दिस मोमेन्ट स्वीट छ। तो चलिए डोंडीलिंग का पूरा विलेज हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो कैसा लगा वीडियो देखकर जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए अभी कितना 5 भी बज गया है, 6:30 हो गया है, तो अभी निकलते हैं हम वापस बैंगलोर के लिए। तो आप लोग भी अगर ये प्लेस में आ रहे हो तो मैं यहाँ का नंबर मतलब शेयर कर दूंगा नीचे, तो आप वहाँ से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और 2-3 होम स्टे है, आप चाहे तो मतलब गेस्ट हाउस है, आप वहाँ पर भी आके रह सकते हो, मगर ये बेस्ट है रिलैक्सेशन के लिए आराम से ना। और मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छा लगता है, मॉर्निंग व्यू देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऐसा मतलब व्यू आपको इधर में नहीं मिलेगा, जो मतलब लद्दाख साइड में, हिल सिक्किम साइड में, हमारा नॉर्थ ईस्ट असम, ये अरुणाचल साइड में ऐसा व्यू मिलता है, ऐसा व्यू मिलेगा बहुत ही बढ़िया। और ऑपोजिट में मतलब इतना बड़ा माउंटेन का जो है ना, इतना बड़ा जो माउंटेन है, और ऊपर से उसका मतलब वो साइड से पूरा बादल आते रहते हैं, और मतलब एवरी 1-2 आवर्स में मतलब आपको ड्रिजिंग होता रहेगा, बारिश मिलते रहेगा, बहुत मजा आता है ऐसा, मतलब आप इतना वही वही ऐसा में टाइम स्पेंड करने ना मजा भी आता है बहुत। तो आप लोग भी आए यहाँ पर, अच्छा टाइम स्पेंड करिए, मतलब पूरा शांति से रह सकते हैं ना, रिलैक्सेशन, पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्स मतलब से, मतलब आए तो मतलब वो गेस्ट हाउस में रहने से और मजा लगता है ना। नहीं यहाँ पे कैसा आना है पता है, यहाँ पर आया मतलब नो ऑफिस नथिंग, वेकेशन बनाते है ना 2-3 दिन का, आराम से 2-3 दिन आओ बैठो है ना, आराम से मतलब। हम लोग बीआर हिल से आए हैं, कल आए थे ना हम लोग, कल बीआर हिल से आए, अगर आप वो ब्लॉग नहीं देखे हो तो वो ब्लॉग भी देख लीजिए, ठीक है। इससे पहले का हम लोग मतलब रात को पहुंचे यहाँ पे, रात को पहुंचे, तो हम लोग रात को रहे यहाँ पे, तो अभी आज जा रहे हैं, मतलब कल रहे थे और आज, मगर यहाँ पे हम लोग करेक्ट के आके, क्यों पता है, क्योंकि सुबह का जो मॉर्निंग व्यू है ना वो मिला हमें, अगर हम डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट यहाँ पर आते थे तो हमें वो व्यू नहीं मिलता, नहीं मिलता है, तो मॉर्निंग में
और अच्छा लगता है, मतलब मॉर्निंग में बढ़िया लगता है। आप आया तो मॉर्निंग को घूमिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और गाँव इसका जो विलेज है वो घूम सकते हैं, मतलब अच्छे से देख सकते। कुछ कंफ्यूजन नहीं आपको, रोड के सामने भी मतलब पूरा मतलब लिख दिया है, बोर्ड लगा दिया है, ए विलेज पूरा अल्फाबेट मतलब ये है नाम से विलेज का नाम भी। और विलेज भी बहुत नीट एंड क्लीन है, मतलब हेल्पफुल है। आप कुछ भी पूछोगे तो आपको मतलब इधर है उधर है हेल्प करके बता देते हैं। तो हम भी यहीं पर आए थे, तो हम भी यहीं पर मतलब हमें तो हमारा लैंग्वेज मतलब नेपाली वाला भी मिला, तो उसने भी हमें बहुत सारा बताया दिखाया, अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल अच्छा लगा हमें। तो अभी हम वही निकल रहे हैं, अभी तो 5:30 हो गया, देखते हैं बैंगलोर कितना बजे घर कितना बजे पहुँचते हैं, दिखाएंगे आपको आगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा आगे कर लो। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी और निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय डंडलिंग, फिर से आएंगे। वैकेशन मनाने 100% में आ गए इधर पे, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आके। दो मतलब फ्राइडे का इवनिंग को निकलेंगे। ठीक है, सैटरडे एक दिन, संडे एक दिन, मंडे सुबह निकल जाएंगे, है ना। अरे ये वाला वही हस्की है ना, धीरे से वही कहते हैं। इतना दूर घूमने आते हैं ना। बाय बाय, किधर है नहीं दिख रहा। बाय बाय पप्पू, ना क्या था पप्पू था ना इसका नाम। और एक वाला इधर है, और एक आ रहा है आगे से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम हो गया। अराउंड कितना बज गया अभी, 7:30 ना। तो ये कल तो हम लोग रात को आए थे रोड से, तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अभी ये मतलब इसी रोड होके जाना है। हाँ, बहुत ही बढ़िया रोड है, रोड भी जंगल मतलब जंगल भी है ना, जंगल जंगल है। तो ऐसे रोड मिलेगा, पूरा गड्ढा गड्ढा मिलेगा ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। और गड्ढा भी ना बहुत मतलब डीप है। कल भी रात को ही आए थे, अभी रात को ही जा रहे थे, जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा ही रहे हैं, ऑन द वे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हमें लग जाएगा और भी 10 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।